हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस मेकर क्लासेस। पीसीएस मेकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आर्य आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर में स्वागत करता हूं। तो आज का हम लोग सबसे बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। जो आज का टॉपिक होगा हमारा जनगणना 2011। इससे हर एक बहुत सारे एग्ज़ाम में हर एक एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे बीपीएससी, पीसीएस, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो इसी के साथ, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ हम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल हमेशा ऊँचा रहे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक है जनगणना 2011। जनगणना 2011 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जनगणना 2011 में हुआ क्या था, यहाँ पे कितने परसेंट साक्षरता दर थे, कितने पॉपुलेशन थे, ये सब के बारे में आज का इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जनगणना से संबंधित सभी नियम कानून। तो जनगणना से संबंधित जितने भी नियम कानून जो नियंत्रित बनाने की जो जिम्मेदारी होती है, वो केंद्र सरकार का दायित्व होता है। तो केंद्र सरकार ही जितने भी जनगणना संबंधित सभी नियम कानून नियंत्रण बनाने का जिम्मेदारी उन्हीं के पास होता है। ठीक है, तो आज के इसी के साथ हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहले जनगणना की शुरुआत, मींस क्या कि भारत में अगर सबसे पहले जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में भारत में पहले जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत में तो पहले जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की प्रथम जनगणना, तो विश्व की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1749 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग तो जानते हैं कि भारत में पहले जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की प्रथम जनगणना कब हुई, तो 1749 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई, तो एक स्वीडन देश है वहाँ पर सबसे पहले हुई थी। ठीक है, इस तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत, तो देश में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। तो इसका क्या मतलब हुआ, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो इसमें डिफरेंस ये है कि स्वतंत्र भारत के कहने का मतलब क्या कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो जनगणना सबसे पहले हुई थी वो कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। तो इससे क्वेश्चन ये आता है कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। तो जनगणना का महान विभाजक वर्ष, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्लीज़ आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। जनगणना का महान विभाजक जो वर्ष हुआ था वो 1921 ईस्वी था, 1921 सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1921 था। जो जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहने का मतलब क्या, जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष था वो 1911 से 1921 था। ठीक है, 1911 से 1921 मींस क्या कि जनगणना जब महान विभाजक वर्ष 1911 से 1921 था, तो उस समय जनसंख्या में बहुत ही कमी आई थी। मींस क्या कि -0.31% की कमी आई थी जनसंख्या में, इसीलिए हम लोग 1911 से 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष, तो जनगणना का लघु विभाजक वर्ष मीन्स कहने का मतलब क्या कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जब बढ़ी थी वो, मतलब कि 1951 ईस्वी में बढ़ी थी। 1951 मीन्स क्या, 1951 से लेकर 1981 ईस्वी, तो इस ये जो हमारा जो पीरियड था सबसे ज़्यादा इसी में जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, इसीलिए हम लोग लघु विभाजक वर्ष कहते हैं।
ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद, मतलब क्या भारत का जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है भारत में वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 246। इसको ऐसे याद कीजिए, अगर आप 2 का टेबल आता है 2 के टेबल से याद कीजिए, नहीं तो 246 आप ऐसे लॉजिक से याद कर सकते हैं। 246 याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप 246 डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना विषय है, मतलब क्या मीन्स क्या जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। तो जनगणना जो विषय है वो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना की अवधि, जनगणना की जो अवधि है वो प्रत्येक कितने वर्ष पे होती है। तो हमेशा याद रखिए कि जनगणना जब भी होती है तो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। मीन्स क्या कि जो जनगणना 2011 में हुई थी वो जनगणना अब 2021 में यानी कि नेक्स्ट ईयर होने वाली है। ठीक है, अगर बात करें तो जनगणना की अवधि, तो जनगणना की अभी तो आपको क्लियर हो गया है कि जनगणना की अवधि कब होगी, तो अब जो अभी आने वाली 2021 में तो होगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये है कि 10 की जनगणना की शुरुआत, मीन्स क्या जो 10 साल पे जो जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो यूएसए मीन्स क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। और वह कब हुआ था अगर ईस्वी पूछ दे तो आप ये बताइएगा ईस्वी कि 1790 ईस्वी में। ठीक है, तो कब हुआ था, तो 1790 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे शुरुआत हुआ था सबसे पहले 10 वर्षीय, तो यूएसए में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्वेश्चन अलग से आपको बताया है ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो इसे पढ़ने में। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। तो जनसंख्या का अध्ययन, तो मीन्स आता है कि इससे मतलब अध्ययन रिलेटेड से क्वेश्चन आता है कि इसके अध्ययन से क्या संबंधित है इसके अध्ययन से, तो जनसंख्या का अध्ययन, तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का जो अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। तो 11वें क्वेश्चन में चलते हैं कि 2011 की जनगणना का क्रम, 2011 की जनगणना का क्रम क्या है, तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। इसका कहने का क्या मतलब है, अभी आपको समझाता हूँ कि देश का क्या, तो 2011 की जनगणना का क्रम है देश की 15वीं, मतलब क्या कि पूरे देश में जनगणना का जो क्रम है वो पूरे देश में 15वां है, लेकिन अगर बात करें केवल भारत का तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अभी जो 2021 में जो होने वाली वो हमारी क्या हो जाएगी, तो 8वीं, वो हमारी 8वीं जनगणना होगी। अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो ये भी पूछ सकता है कि 2021 की जो जनगणना का जो क्रम है वो कैवी जनगणना का क्रम होगी, तो 8वीं होगी, और देश की बात करें पूरे देश में तो वो क्या हो जाएगी, 16वीं हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य कहने का मतलब क्या कि 2011 की जो जनगणना का जो थीम थी ना, उस थीम को हम लोग क्या करते हैं ना, उस थीम को हम लोग आज जानते हैं। ठीक है, तो उस थीम है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 12वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जनगणना का शुभंकर, मतलब क्या जो जनगणना का जो शुभंकर थे, जो सबसे पहले जनगणना का शुभ मतलब आरंभ किए थे वो कौन थे, तो प्रगणक शिक्षिका थे जो जनगणना का शुभंकर थे। ठीक है, तो 13वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 13वें नंबर क्वेश्चन बोला है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है, तो डब्ल्यू पॉलेडेन है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त मीन्स क्या कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जो प्रथम जनगणना आयुक्त जो बने थे वो कौन बने थे, तो आर ए गोपाल स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में। तो 15वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि पहली बार जाति आधारित जनगणना, मींस क्या कि पहली बार जो जाति आधारित मींस क्या जाति जात पे जो आधारित जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग प्रत्येक साल हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं, जो अभी आने वाली है 11 जुलाई, तो हम लोग फिर उस दिन को जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस को मनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं
17 नंबर क्वेश्चन में कि 2011 में जनगणना आयुक्त मींस क्या कि जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली जी थे जो 2011 के जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कुल जनसंख्या जो 2011 में जब जनगणना हुआ था उस टाइम कुल जनसंख्या क्या था हमारे भारत देश का, तो क्या था, तो 121 करोड़। आप याद रखिए कि 121 करोड़ जो था वो उस टाइम जनसंख्या का कुल दर था, लेकिन अभी जो 2021 में जो आने वाले हैं उसका रिपोर्ट कुछ अलग ही होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो जनसंख्या जो कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग मींस क्या, भारत में जो है वो विश्व जनसंख्या का भाग क्या है, तो भारत में जो है विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। मतलब क्या कि पूरे विश्व में भारत का जो जनसंख्या का जो भाग है वो 17.5% है। अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल का, तो ये भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसमें तो मैं क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई भी एग्जाम में पूछ देता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि पुरुष जनसंख्या मींस क्या कि हमारे देश में जो पुरुष 2011 के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या हमारे भारत देश में कितना है, तो आप 62.32 करोड़ है, लेकिन आप 62 करोड़ याद रखिएगा, आप ऐसे अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 62.32 करोड़ से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप 62 करोड़ को याद रखें। तो पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ है और महिला जनसंख्या जो हमारे देश में जो थी 2011 के अनुसार है वो कितना है, तो 58 करोड़ है। तो आप हमेशा याद रखिए कि हमारे देश में जो पुरुषों की संख्या वो तो ज़्यादा है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो 58.75 करोड़ है। ठीक है, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या कम है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन मत होइएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं हम लोग। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर मींस क्या कि दशकीय मतलब क्या, जो 10 साल में जो हमारे देश का जो जनसंख्या दर है वो कितना है, 17.7%। ठीक है, हमारे दशकीय मतलब क्या, जो 10 वर्ष में भारत का जो जनसंख्या जो दर है वो 17.7% है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग मतलब क्या कि पूरे वर्ल्ड में जो भारत का जो विश्व जनसंख्या का जो भाग है 17.5% है, लेकिन हमारे देश में जो 10 साल में जो जनसंख्या हमारे देश में है वो 17.7% है। अगर बात करें एक साल में, तो एक साल में वो कितना है, तो 1.64% है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। तो 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कुल साक्षरता दर हमारे भारत देश में जो कुल साक्षरता दर है वो कितना है, तो 73% है। अगर सबसे अधिक की बात करें तो केरल में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 नंबर की पुरुष साक्षरता दर मींस क्या, हमारे देश में तो पूरे कुल साक्षरता दर कितना है, तो 73% हुआ, लेकिन अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर की, तो हमारे देश में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 80.9% यानी कि 81%। आप इसको याद रख सकते हैं प्रॉक्स कि पुरुष का जो लिटरेसी रेट है वो 81% यानी कि 81% है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि महिला साक्षरता दर, तो महिला जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो 64.6% यानी कि आप 64% आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन अभी का जो डाटा आने वाला है उसमें बहुत सा सुधार हुआ है हमारे देश में लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर। पहले ये 2011 के अनुसार यानी कि 10 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है हमारे देश में, तो अभी जो ये साक्षरता दर यानी कि कोई भी रिपोर्ट आने वाला है 2021 में उसके अनुसार हमारा देश थोड़ा सा चेंजिंग दिखेगा। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि लिंगानुपात कहने का मतलब, थोड़ा सा इसमें आपको क्लियरफाइड कर देते हैं, किसी को आप डाउट होगा तो इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि लिंगानुपात होता है क्या। मतलब क्या लिंगानुपात कहने का मतलब क्या कि हमारे देश में 1000 पुरुष है, अगर हमारे देश में 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या केवल कितनी है, तो 943 महिलाएं हैं। मतलब क्या कि 1000 पुरुष पे 943 ही महिला है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश का थोड़ा सा
कंडीशन की 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात बोलने का कहने का मतलब क्या, 0.6 नहीं है, मतलब क्या, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 0 से 6 वर्ष। ठीक है, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष जो हमारा शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, तो 919 है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में कि जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसको हम लोग अभी समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व बोलते किसको हैं। तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है, जहाँ हमारे देश में जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब क्या, एक वर्ग किलोमीटर में जो हमारा हमारे जो जनसंख्या है हमारे भारत में वो कितना है, तो 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात, ये क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो याद रखिएगा आप लोग केरल, केरल में है, केरल में जो है वो सबसे अच्छा कंडीशन है कि सबसे अधिक लिंगानुपात है। मीन्स क्या कि यहाँ पे 1000 पुरुष पे 1084 महिला है। ठीक है, पूरे भारत की बात करें तो 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं, लेकिन अगर बात करें केवल केरल राज्य में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि 1000 पुरुष पे 284 महिलाएं, यानी कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, अगर बात करें कि सबसे कम लिंगानुपात यानी कि सबसे कम है, तो कहाँ पे है, तो हरियाणा में, हरियाणा, तो हरियाणा में कितना है, तो 879 नहीं याद कीजिए आप, 879 याद कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के याद करने के लिए और बेटर भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात। तो हम लोग क्वेश्चन अगर पूछना हो तो केंद्र शासित से भी पूछ सकता है, न्यूनतम पूछ सकता है, अधिकतम पूछ सकता है, तो हम लोग सब क्वेश्चन को लेके चले हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चन में, ताकि इससे आपका 11 वाला जनगणना जितना भी है वो सब आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित लिंगानुपात है वो पुदुचेरी में है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। तो 32 नंबर बोल रहा है कि न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात। अब अधिकतम पूछ लिया तो न्यूनतम भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे सेट किया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है तो दमन व द्वीप, ठीक है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अब यहाँ पे देखते हैं कि सार्वजनिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा कि जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है। कितना है, तो 1106। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो कितना है, तो 17 व्यक्ति। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। तो 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व। तो सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो हमारा दिल्ली में है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व, जो न्यूनतम जो है, जो सबसे कम है, वो कहाँ पे है, तो अंडमान और निकोबार में है। आगे हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में कि सर्वाधिक जनसंख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हमेशा कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में फर्स्ट स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तो आपको सबको पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ दे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सॉरी, दूसरे स्थान पर जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। कौन सा राज्य है, तो मुंबई है। ये आप लोगों को इसलिए बता दिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन कैसे भी पूछे आंसर तो पता होना चाहिए। बस आप कंटिन्यू पीसीएस मेकर पे जुड़े रहें, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं देंगे। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या यानी क्या। हम लोग तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो पढ़ लिए कि उत्तर प्रदेश है, अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला देश राज्य, सॉरी, तो सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है, तो हमारा दिल्ली है। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य तो क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा।
ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में कि एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम लोग बताते हैं कि ये बात इसमें है क्या। तो एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो नागालैंड, तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो अपने जनसंख्या दर में जो वृद्धि की है -0.6% की, ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है, जो नागालैंड अपने आप में -0.6% की वृद्धि की है। ठीक है, अगर हम बात करें 2001 की, अगर हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार तो हुआ क्या था कि नागालैंड जो था वो क्या था कि सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य दर था, मीन्स क्या कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राज्य वाला जो दर था वो क्या था, तो यहाँ पे कितना परसेंट था, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 64.53% था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जो राज्य था पहले 2001 में वो कौन था, तो नागालैंड। लेकिन अब क्या हुआ कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी तो वो कौन सा है, नागालैंड, तो कितने परसेंट की कमी की, तो -0.6%। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को अलग से ये टॉपिक बताया मैंने। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो हमारा कौन सा है, केरल है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार केरल है जिसका साक्षरता दर कितना है, 94% है। लेकिन अगर बात करें अभी की, तो अभी क्या हो गया है, केरल में साक्षरता दर जो हुआ है वो कितना परसेंट हो गया है, तो वो अभी 100% है। ठीक है, साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड एक बात बता रहे हैं, साक्षरता दर। अब साक्षरता दर बोलते किसको है, तो हम लोग क्या होता है ना, सबको कहने का मतलब क्या, जो मैट्रिक पास हो 12th पास हो तो उसको साक्षरता दर कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सिग्नेचर करने भी आए, अगर आपको अपना नाम लिखने आए, तो वो क्या होता है, वो साक्षरता दर में इंक्लूड हो जाता है, वो साक्षरता दर में जुड़ जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, मीन्स क्या कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, अगर उनको अगर लिखने आए या कुछ भी, अगर कोई लेख या कौटिल्य क्यों ना हो, तो वो कभी भी वो बच्चे साक्षरता दर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक अलग का टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया हो ताकि आप लोग कभी कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग उस बच्चे को ऐड करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में कि न्यूनतम साक्षरता। तो देखिए, हमारा जो बिहार है वो बहुत ही पिछड़ चुका था 2011 में, न्यूनतम सबसे कम जो साक्षरता दर था वो बिहार में था। ठीक है, लेकिन अभी के अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, जो अभी जो बिहार का जो लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता दर है, वो पहले की अपेक्षा बढ़ चुकी है। मीन्स क्या, जो अभी 2021 में जो साक्षरता दर आने वाली है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी बिहार के लिए। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि न्यूनतम महिला साक्षरता, अगर बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता याद रखना हो तो बिहार भी याद रखिएगा 68.8 यानी कि 62%, और न्यूनतम महिला साक्षरता याद रखना हो तो बिहार ही रखिएगा 51.5%। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 45 क्वेश्चन में कि सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, मतलब कि सबसे ज़्यादा केंद्र शासित साक्षरता कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 46 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता, मतलब कि सबसे कम जो केंद्र शासित साक्षरता है वो कहाँ पे है, तो दादरा व नगर हवेली है। ठीक है, आगे ये 2011 के अनुसार है, अब 2021 के अनुसार जो आएंगे वो बहुत सारे चेंज होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में कि अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो अधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वो थाने का है, महाराष्ट्र में है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कम जनसंख्या वाला जिला, तो कम जो जनसंख्या वाला जिला है वो दिवांगी घाटी, वो कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो 49 नंबर और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अधिक जिलों वाला राज्य, तो अधिक जिलों वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है, तो 75 है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त करता हूँ, और प्लीज़ इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपका एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।